लुधियाना से सैयद मुराद अली शाह ने बल्दियाती इदारों को 10 फायर टेंडर्स और दुनिया का सबसे बड़ा एक स्नॉर्कल सुपर्द करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि हमारी फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की सलाहियतों में इजाफा किया जाए। आवाम की जानो माल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। वजीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के बल्दियाती इदारों को नई 10 फायर टेंडर्स और दुनिया का सबसे बड़ा स्नॉर्कल हवाले कर रहे हैं। हर एक चाहता है कि ये जो फैसिलिटीज सिविक फैसिलिटीज हमारे पास वो मौजूद हों ताकि अल्लाह न करे कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो उस पर क्विक रिस्पॉन्स हो सके और लोगों के जान और माल दोनों की हिफाजत हो सके। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपनी इस मुहिम पे आगे जारी रहेगी और बाकी जो टाउन्स हैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है मैं मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि वो खुद टूर करके और एक स्कीम बना लें जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह ताला हम इस साल और फिर अगले साल और फायर टेंडर्स दे लेंगे ताकि जो इन म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का टाउन कमिटीज़ का बेसिक फंक्शन है उसके अदायगी के लिए उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह हो। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों के जानो माल का तहफ़ करेगी। हम इस साल मजीद फायर टेंडर्स खरीदेंगे। नई फायर टेंडर्स की गुंजाइश में 8000 लीटर पानी के अलावा 500 लीटर फार्म टैंक्स भी मौजूद हैं, जो पेट्रोल और करंट से लगने वाली आग पर कंट्रोल करेंगे और किसी भी आतिशजदगी के बड़े हादसा पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकेगा। हर एक फायर टेंडर की मालियत 19 मिलियन है जबकि कुल की मालियत 190 मिलियन बनती है। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने वजीर आला सिंध की काविशों को सराहते हुए कहा कि वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात की शहर के दीगर मसाइल में भी तवज्जो मबजूल है। कराची के जो असल इश्यूज हैं उस पर और उम्मीद करूँगा कि सीएम साहब भी और लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं कराची से ही ताल्लुक़ है जो असल इशूज़ हैं उस पर तवज्जो देंगे दे रहे हैं। नज़र आ रहा है कि सामने स्नॉर्कल भी खड़ी है और हमारे फायर टेंडर्स भी हैं। मैं मौके से फ़ायदा उठाऊंगा, सीएम साहब के सामने एक दो गुजारिशात पेश करना चाहूंगा कि सीएम साहब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये हमारा और बहुत मुश्किल में है। हालत जब मैं आया था तो सीएम साहब इसके हमारे पास 6 टेंडर्स थे, फायर टेंडर सिर्फ 6 थे। आज तकरीबन हमारे पास इन ऑर्डर 37 फायर टेंडर्स, 37 ये मैंने जो ख़राब हुए थे उनको ठीक कराया। इसी तरह स्नॉर्कल हमारे पास इन ऑर्डर 3 हैं, आज एक ख़राब पड़ी हुई है उसको ठीक कराना है। अच्छा, जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं 32 फायर टेंडर्स हैं, हम ये ठीक करा सकते हैं तो हमारी फ्लीट बढ़ जाएगी। कराची में हर रोज़ तकरीबन आग लगती है, अब ये स्नॉर्कल आ गई है तो 8 फ्लोर से ऊपर वाली भी आग हम बुझा सकेंगे। हमारे जो फायरमैन हैं सीएम साहब अपनी जान पे खेल के आग बुझाते हैं, ना उनके पास हेलमेट है ना मास्क हैं कि अंदर जाएं, मगर वो रिस्क लेते हैं क्योंकि जज्बा भर जाता है किसी को मरते हुए देख के, वो खुद अंदर जाते हैं और आग बुझाते हैं। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये इंसानी मसला है, ये ना कोई सियासी मसला है, कुछ भी नहीं है, ये इंसानी मसला है। कराची सिंध का बड़ा शहर है, आप मैं सईद साहब से भी बात कर लूँगा। इसमें जब मैं आया था सीएम साहब तो इसमें फायरमैन का रिस्क अलाउंस होता है, मुझे लाइबिलिटीज़ मिली थी। अब हर दूसरे दिन वो स्ट्राइक करने मेरे ऑफिस के सामने खड़े हो जाते हैं, उनके जो लाइबिलिटीज़ हैं जो मेरे ज़िम्मे आई हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकता, वंस फॉर ऑल अगर वो कम्प्लीट कर दी जाएँ, 11 महीने की उनके रिस्क अलाउंस हैं, अगर वो दे दिए जाएँ तो मैं इसकी बेहतरी के लिए सोचूं। अब मैं जो पैसे जनरेट करता हूं केएमसी के वो मैं रिस्क अलाउंस में दे देता हूं, तकरीबन 2 करोड़ रुपए महीने देने पड़ते हैं मुझे जो पिछले दिए नहीं दिए हुए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं सईद साहब को दे दूंगा अगर उस पर तवज्जो दे दें ताकि हम ये वंस फॉर ऑल ये उनकी लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर दें ताकि आगे चलें, और मैं जो अपना पैसा जनरेट करता हूँ वो मैं फायर डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकूँ, ये एक रिक्वेस्ट है अगर आप इसको पूरी कर देंगे। लेकिन आज ये शायद एक पहला कदम है इस मौजूदा हुकूमत का, लेकिन ये आखिरी नहीं है। जितनी गाड़ी हम दे रहे हैं इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला जितनी हो सकेगी हम शहरियों की मदद करेंगे, सुबह सिंध के लोगों की मदद करेंगे ताकि उनके मसाइल को हम किसी तरह हल कर सकें। तो इस वक्त 1 स्नॉर्कल और 10 गाड़ियाँ जो हैं वो हम देंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ
चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर हमारी दावत पर तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया।